अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच सां गॾु मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, ईद जे मोकलुनि खां पोइ पहिरियों प्रोग्राम तव्हांजे साम्हूं पेश कजे थो पियो ऐं गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां कड़ी ख़ुदा बख़्श में वॾो जलसो कयो वियो आहे। उन जलसे जो बुनियादी मक़सदु जेको हुयो उहो पार्टी जे बानी चेयरमैन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वर्सी जे हवाले सां हो, छाकाणि त 4 अप्रैल ते रमज़ान शरीफ़ जे करे उहो जलसो मुलतवी कयो वियो हुयो ऐं उहो अॼु 14 अप्रैल ते उते थी गुज़रियो। बहरहाल उन में तमामु अहम गुफ़्तगू थी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु तोड़े पाकिस्तान जे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहिबु उते जेका गुफ़्तगू कई आहे। जी नाज़रीन, इहे त जेके पंहिंजो जलसे में जेके कलाम पहिलिया, पर असांजी ख़्वाहिश हूंदी त असां तव्हांखे बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहिब जी तकरीर जा क्लिप बि ॾेखारे सघूं। बहरहाल उहो जेसिताईं क्लिप असांजी प्रोड्यूसर असांखे हुनजो ॿुधाए त को केॾी महिल हलाईंदा, तेसिताईं साईं सोहेल सांगी साहिबु असां गुफ़्तगू कयूं था। साईं साहिबु, तकरीरूं तव्हां ॿुधियूं ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़ो वॾो पंहिंजो जलसो थियो आहे ऐं हिन वक़्तु जॾहिं पीपल्स पार्टी हुकूमत में आहे, वफ़ा आहे की हुकूमत में त नाहे पर प्रेज़िडेंसी जेका आहे उहा पीपल्स पार्टी वटि आहे, त फेडरेशन जी अलामत आहे उहा ऐं प्रेज़िडेंट साहिबु पाण आया आहिनि तकरीर करण। जी साईं सांगी साहिबु, इस्लामाबाद बैठे हुए बाबूअ ने हमको ग़रीब किया हुआ है। हा, इहो ॾाढो अहम आहे। हिन में ॿ टे शयूं फ़ाइदा, हिकिड़ो त ज़रदारी साहिबु पंहिंजे मख़सूस स्टाइल सां ॻाल्हाईंदो आहे, उन जो हिकिड़ो पंहिंजूं मानाऊं इंटरप्रिटेशन हूंदियूं आहिनि ऐं उन हिसाब सां हाणे बाबुनि जी इस्लामाबाद जा बाबू माने जेको इक़्तदार जो आहे शयूं उन ते इशारो। ॿी जेका उन में ॻाल्हि हिन पूरो इन ते कयो आहे त भई सदर जेको आहे सो वफ़ाक जी निशानी हूंदो आहे, उन ते उन इलाही सारो तकरीर में उन ते ज़ोर आहे। ऐं टी ॻाल्हि सॼी इन तकरीर में लॻी त इहे पंहिंजे पर में हिकिड़ो ॾाढो वधीक पुरअतमाद उहो ऐं हुन सां गॾो गॾु इहो त जेको पाण अॻे बि कॾहिं ॻाल्हि कईसीं पई त पीपल्स पार्टी वटि ऐं ज़रदारी साहिब वटि जेकॾहिं जॾहिं इहा सदारत आई आहे त पोइ ऐवान सदर जी ऐं सदर जी उहा अहमियत थींदी हूंदी ऐं हू चाहींदो बि सही, उहा ॾेखारे बि सही। इहो को चौधरी फज़ल लाई साहिबु सदर हुयो या पोइ तारण साहिबु नवाज़ शरीफ़ जे ज़माने में ममनून हुसैन, जेको ममनून हुसैन मां दर ते ई हिकिड़ा अहिड़े क़िस्म जा हुया ऐं बाक़ी जेके बि सदर हुया जिन्हनि जेके बि गड़बड़ कई, फारूक लगारी साहिबु बि पंहिंजी, पर हू को ॿियो को इम्पेक्ट न छॾे सघिया सवाइ हिन जे उन्हनि असेंबली टोड़ी त ॿियो को मतिलबु उनजे खाते में का चङी शइ उहा कोन थी अचे। पर साबिक सदर आरिफ अली साहिबु त वरी इमरान ख़ान जी मोहबत में उहो हा उहो वरी उनजो वरी हिकिड़ो ॿियो हुयो, उन असेंबली बि कोन टोड़ी न को बाक़ी पंहिंजी जेका इमरान ख़ान जे सा जे हर तरह जी प्रोटेक्शन करणु उन्हनि जी जेका उनखे अपीज़ करण लाइ आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हुयो त मूंखे उन में उहा शइ लॻी। हिन में इलाही जेके आहिनि शयूं इन ॻाल्हि ते सोचणियूं आहिनि त पीपल्स पार्टी ऐं सदर आसिफ़ ज़रदारी ऐं बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इहे शयुनि खे कीअं ॾिसनि पिया ऐं उनखे कीअं अॻिते वठणु वञणु चाहिनि पिया, उन जा इन तकरीर में ऐं भुट्टे साहिब जी उन वर्सी जे मौक़े ते ज़ाहिर त हिकिड़ो ॾाढो अहम हूंदो आहे। उन ते हिकिड़ो बाक़ी इन तकरीरनि खे ॻाल्हियुनि खे माण्हू त हिकिड़े अहद तौर ते वठंदा त बि जेको ॾाढी अहम ॻाल्हि कोन्हे सरदारी साहिब सां तौरु जेका अहम ॻाल्हि कई आहे त असां गढ़ी ख़ुदा बख़्श में मां अॼु फ़ख्र सां बीठो आहियां, छाकाणि त मूं शहीद राणी जो बि पलांद कयो, लफ़्ज़ पलांद इस्तेमालु कयो, हा शहीद राणी जो बि मूं पलांद कयो ऐं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो बि मूं पलांद कयो। हा मतिलबु ॾिसो हाणे जेको इहे लफ़्ज़ आहिनि इहे तमामु पंहिंजो ऐं मौजूदा सदर इनकम्बेंट प्रेज़िडेंट उनजे पारां चया विया आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे इहो मैसेज आहे पूरो जेको आहे उनजो तमामु वॾो मैसेज आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त
काफ़ी हैवी किस्म जी तकरीर हुई। ज़रदारी साहब जी तकरीर बिल्कुल इलाही हैवी आए है। उन्हें में इन शइ के वो ड्रा करे तो शूं केदा हू वी वन चाहे तो विच में तो सजो यो पे एक शूँ हलूँ तो भाई पीपुल्स पार्टी जेका है सा केदी महल जो पी एम एल एन से उन्हें में हथ कढ़ी सके थी उनकी हुकूमत लाए कि थी सके थी वगैरह वगैरह सजो हलो पे अना तई भी कहीं ना कहीं तरीके से कुछ सर्कल्स में वह गाल हले पी पर ज़रदारी साहब इन सजो जो मौजूदा सेटअप आ उन सजे के ओन कयो यस यो डाडो अहम आ ओन पर उनका भी अहम त गाल बिलावल साहब हो ना। हां बिलावल साहब जो चे तो पयो त जुल्फ भुट्टे साहब के वक्त में भी एक नौ सितारन जो इत्तेहाद ठयो हो अस हाने पीएनए पार्ट 2 ठा नंदीदासु। हां ठीक है ना कुछ ना कुछ सियासतदान चांदा तो पीएनए पार्ट 2 आणिन। हां मतलब इहा गाल जेका है जेका कल जलसो जेको हो पशीन वारो जैमें जेको है पीटीआई भी शिरकत कई पंजो गोहर अयूब जेको उनजे पुट जेको उमर अयूब वो भी शरीक थियो उनखां अलावा जेको है महमूद खान अचकज़ई या पंजो ही फजल रहमान साहब क्वेटा में होंदे उन शरह में शिरकत न कई। फजल रहमान साहब त पंहिंजे पाण खे इन फासले ते रखे पियो ऐं फज़ल रहमान साहब ईंदड़ वक़्त में मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेको मौजूदा सेटअप आहे इन जो पार्ट बणिबो इहो पाण अॻे बि इन ते ॻाल्हि कंदा रहियो हुन में घर त फज़ल रहमान साहब जी जेका ज़रदारी साहब सां ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ सां जेतिरी हू रही आहे वेझराइत उहा इलाही सारी रही आहे। अच्छा उन्हनि खे इन्हनि खे छॾे करे बाक़ी जेके बि सिचुएशन बीहे थी उन में फज़ल रहमान साहब खे त को वॾी का पोज़ीशन या डिसीजन मेकिंग या छा उहो त को मुंहिंजे ख़्याल में जेका ॿियो वरी फज़ल रहमान साहब सां जेको ॿियो मसलो आहे न टेक्निकली स्पीकिंग त हुनखे सियासत में जेको वॾे में वॾो जेको टफ टाइम आहे उहो आहे के पी जे अंदरि पी टी आई खां ई आहे। बिल्कुलु त हुनजो राइवल जेको आहे उहो आसिफ़ ज़रदारी या पीपुल्स पार्टी न आहे उनजो राइवल जेको आहे मियां नवाज़ शरीफ़ या पी एम एल एन न आहे हुनजी पोलिटिकल जेका राइवलरी आहे जेको हुनजो होम ग्राउंड आहे यानी डेरा इस्माइल ख़ान जी सीट उहो हाराए थो वञी पंहिंजी बि सीट जेका वञी बचाई थिए वञी पंहिंजो पश्तून पंहिंजो बलोचिस्तान मां त पंहिंजे घर जूं सीटूं हुनखां उहो बकौल हुनजे जेको हू चवे थो त हुनखां फुरियूं बि हुन त उते हुनजी राइवलरी जेका आहे उहा उहा किथे बि कंहिं बि तरह ते फज़ल रहमान जी पीपुल्स पार्टी ऐं पी एम एल एन जे ख़िलाफ़ु मज़ामत जो हिसो थियण जो हुनखे मतिलबु जुगाए कोन थो न बि किथे बि कंहिं बि तरह जस्टिफाई नथो करे सघिजे फज़ल रहमान जे पारां त भई मां हिन जे करे कयां थो भई जेका तो सां जेकॾहिं थी आहे तुंहिंजो बेनिफिशरी न आसिफ़ ज़रदारी आहे न को नवाज़ शरीफ़ आहे छाकाणि त उन्हनि जिन एरियाज़ मां खटिया हुआ उते तुंहिंजी सीट कॾहिं हुई कोन फज़ल रहमान जी कॾहिं का सीट उतां रही कॾहिं का तंहिं करे तुंहिंजो जेकॾहिं को जेको चइबो आहे न पाण वटि त तुंहिंजो को मुंहुं ठहे थो या तुंहिंजो को चार को हिसाब किताब तुंहिंजो ठहे थो तुंहिंजो हिसाब किताब ठहे थो त उहो पी टी आई ठहे थो तंहिं लाइ तूं उन सां गॾिजी हिन हुकूमत जे ख़िलाफ़ु वञे फज़ल रहमान इहो सियासी उनजी एॾी बेवकूफ़ी मां नथो सम्झां फज़ल रहमान मौलाना साहबु इन मामले में ॾाढो होशियारु आहे फैज़ साहबु इन में ॾिसो हिन में जेको बिलावल साहब जा ॻाल्हि कई आहे पी एन ए 2 ऐं उन सां गॾु इहो बि हुन जेको चयो आहे त उन में जेको लफ़्ज़ हुन इस्तेमालु कयो सियासी अदम इस्तकाम आणण जी साज़िश माने हीअ ॿई जेके आहिनि से ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहिनि। हाणे पी एन ए बि जेका तव्हांखे बि यादि हूंदो ठही त उहो भुट्टे साहब जेका 77 में चूंडूं करायूं सही आहे न न सही आहे पी एन ए जे उन तव्हां ॾाढी ॾेखारियो ठीकु आहे सर इहो बि सही आहे त उन में बि इहो त इलेक्शन में जेका इलेक्शन थी उन में धांधलियुनि खे हिकिड़ो बहानो बनाए आद बनाए उहा सॼी तहरीक उन में डेवलप थी त इहो सॼो उहो थियो पियो पर उन में ज़ाहिर त जेको सॼी इंट्रस्टेड हुई तॾहिं पोयां जेको आहे सो ज़ियाउल हक़ हुयो जंहिं चाहियो पए त इहे शयूं सभु तर वञनि त हिन वक़्तु हीउ ठीकु आहे इहो खणी मुखालिफ़ धुर वारा ई गॾिजी थियनि पर अॼु मुंहिंजे ख़्याल में को ज़ियाउल हक़ मौजूदु न आहे त इन जे करे इहो सॼी ॻाल्हि जेका आहे त
को घनी अगते वधी न सकंदी हिकड़ी गाल बी गाल आए तो अज खुद मतलब तो जेको भी सेटअप आए इन में पान इन में कौन था वनू तो वो कें पर खुद इन सेटअप के अंदर जेके पार्टियों मौजूद हैं वे गच जड़ियों भुट्टे साहब के खिलाफ जैसे पीएनए हली पे तहरीक हलए पे तदे सब पार्टियों भुट्टे साहब वाले इन सपोर्ट के दायरे का बाहर बीठल हुई इन वक्त इन में पीपुल्स पार्टी आए नवाज लीग आए उनका पोए जो सो मुत्तहद कौमी मूवमेंट आए प्लस बलूचिस्तान केपीके मां उतां डॉक्टर मालिक आए अख्तर मंगल भी तो मुझे ख्याल में अच्छा चलो तो उतां एमल भी तो है न एमल असफंद वली तो वो भी आए तो हिड़ा ज़ाहिर एमल असफंद वली जो वली खान वे इन खानदान में ये एक वड़ा मैंने पख्तून कौम पस्त आवाज़ वड़ा स्टेक होल्डर रहा है तो उन्होंने जो सजो वो रो तो उ जहाँ डॉक्टर मालिक है तो ये बड़ा है तो ही सब दुर इन सूबन में भी हि जो मौजूदा सेटअप है जैमें आसिफ जरदारी साहब सदर है शहबाज शरीफ वजीर अजम है पंजाब में उनकी हुकूमत आ तो इन जे उन्हें गड बीठल नजर अचन था तो हि एज इफ को पोलिटिकली ये को आइसोलेटेड ही कोने ही एक इन बिन्नी में वो फर्क आ तो इन में जो अहम शे जो थे इन के पीएनए टू ठे तो पीएनए टू ठहण के लिए मुझे ख्याल अना ती मसालो पूरो ना है मसालो पूरो ना है अच्छा जमात इस्लामी भी इन में को अना न पे करे दिसू हाफिज साहब अनि पजो जसे ने चार्ज संभाले मंसूरा दी पूरी चार्ज उनके चार्ज वठी कम फिलहाल जको उनके इमामत करायो ए पजो ईद नमाज जी वक्फो टू द वक्फे का पो मोटी प्रोग्राम सिलसिले के तो दादा नाजरन से कर जो वक्फे का पो असा हन मौजूद भी गलांगासू ईरान इसराइल जको कॉन्फ्लिक्ट आ है उन हवाले से गुफ्तगु कनासू हन वक्त पूरो मिडल ईस्ट जको आ है वो उते इसराइल जे जका जको ऋण बारे छजो आ उन हवाले से गुफ्तगु कनासू सा कर वेलकम बैक नाज़रीन अचो प्रोग्राम जो सिलसिले के अगत वधायूं 4 अप्रैल 1979 के हवाले से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत जका 4 अप्रैल 24 ते जो जलसो थियणो हो वो मुलतवी करे 14 अप्रैल ते रखियो वियो अॼु वो जलसो गॾु खुदा बख्श में थी चुको उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तोड़े पाकिस्तान के सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो खिताब किया है उन हवाले से गुफ्तगु हलंदड़ हुई सही ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गाल कई है मफाहमत की हाँ जैमें चो अथ समूर सियासी पार्टियों के दायरे में रही कम सियासत करन घुर्जे नंबर मफाहमत लाए गालू करन घुर्जे धरन के बदरा गालन जी मेज यस यस माने ही गालन जी मेज ते अचने सियासी पॉलिटिकल टॉक्स उने में कर वो तो दायरा छाकाण जो हुकूमत में एकड़े तरीके से पीपल्स पार्टी शामिल भी आए यो पीपल्स पार्टी के क्रेडिट देना पड़ो माने जने अपोजिशन में हुई तदे पीडीएम धरने की गाल कही पीपल्स पार्टी ना बाद धरने जी अस न कदा से हां यो उन वक्त भी हुन पंजी सजे मानु नाराज थी आ पीपल्स पार्टी के पीडीएम में कढ्यो जेके इल्जाम लगा पर पीपल्स पार्टी उन वक्त भी चो तो धरनो हणी हुकूमत न मटाइना से आइन के अंदर जो तरीकेकार आ उन मुताबिक हुकूमत चेंज करण जो जिक्र असा ऑप्शन मिलन तो असा कदा से हाने भी पीपल्स पार्टी तोड़े जो हुकूमत जो हिस्सो वफाक में भली न हो जे पर प्रेसिडेंसी पीपल्स पार्टी वटा यस बिलावल साहब पाण भी चयो तो असा वट बिन सूबन जो हुकूमतू हन त उन हिसाब से पो भी पीपल्स पार्टी मफाहमत की गाल जे बुनियाद ते करे थी पई असन के गलाण घुर्जे असन के धरणन के बजाय असन के गलाण घुर्जे गलाए मामलों जो हल गठन घुर्जे तारीख जिसजे तो भुट्टे साहब के वक्त में 73 जो आइन पास थो या खुद जो पीएनए जो भी मूवमेंट हलई आखिर में पीएनए प्रोफेसर गफूर मरूम जो मुँह पान जो है इंटरव्यू किया उनमें चो तो हमारी मजाकरात कामयाब हो गए थे वो जैसे लास्ट मूवमेंट से 5 मई जत्तर में ज़ियाउल हक खाम खा अची टेक ओवर अदरवाइज पीएनए पीपल्स पार्टी विच में मजाकरात कामयाब थी चुका हुआ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना
उन वक्त भी पीपुल्स पार्टी वरी भी मजाकरात करे वरी जड़े हाने मौको मिलो 2008 का पोत वरी पीपुल्स पार्टी सबनी के गड खणी अरणी तरमीम जड़ो मना मार्को करण पीपुल्स पार्टी के नवाज शरीफ वांगुर 2/3 मेजॉरिटी तो कान हुई ना पर उन जे बावजूद भी सबनी के गड खणी आ दिसो ना वो केडी कॉम्प्लेक्स किस्म जी सूरत हाल हुंदी आ जने तहां 2/3 मेजॉरिटी ले कोशिश कयो ते एकड़े तरफ मजहबी पार्टी भी हुंदी उन बे तरफ सेक्युलर जमातूं वे वधिक जको आ आईन जी जका शकल आ वो सेक्युलर रखण ते जोर भरी दियो न एकड़े तरफ जको आ मरकजियत वारी मरकजियत वारी काफ लीग ए नून लीग जेडी पार्टी बे पासे जको आ है एएनपी नेशनल पार्टी मेंगल जी पार्टी ये जके पंजो सूबाई खुद मुख्तियारी ते यकीन रखन पार्टी इनन जे विच में कंसेंसस पैदा करण लाए एकड़ो वडो दिलगुर्दो खपे जको बहरहाल पीपल्स पार्टी पंजे पूरी सारी तारीख में यो साबित कियो आ जरे भी पीपल्स पार्टी के मौको मिलियो आ पीपल्स पार्टी कंसेंसस डेवलप करण में कामयाब वही आए पॉलिटिकल आए विजडम पीपल्स पार्टी वटे नहीं में यो डाडो डिसन फया साहब त बिलाल साहब जेको उ त गालियो चे त धरणो है इने सा नालंदो जी ता बुधायो त धरणन जे जरिए जे कने हुकूमत तब्दील थी त पो त यो है ना भाई केब केडी मल जेको आ सो 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 मानू या लख घणी हां लख घणी मतलब ता अची उन के घेरो करे पो उनके कौन सोड़ी में हाने कहीं जोरी गाल बंजरा भी आ तो वो को पॉलिटिकल कॉन्सेंसस या आवाम जी राय के उन्हें तो ना होती गालू कयो गालू थन एक प्रोसेस में शयू बनन तो उन्हें में ठीक है एक थींदो आ गिव टेक गिव एंड टेक वो हलन दो पर इन में ही जो अहम आको इन चाहिए तो भाई मिसाक मुफाहमत ला गालू थन खपन मन ही तो मुख्य उन में यो लगे तो जो पॉलिटिकल डायलॉग ला एक किस्म सड आ अपील आ त जेकॾहिं इहो करे थी पीपुल्स पार्टी ऐं जंहिंमें पी एम एल ए आहिनि ऐं हुन सां जेके बि तादी जमातूं आहिनि उहे बि हुन सां बीहनि थियूं त पोइ हिकिड़ो इहो मूंखे लॻे थो त हू जेको जेके अपोज़िशन वारियूं जमातूं पी टी आई सां गॾु जे कनि पियूं मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि यादि ॾियां तव्हांखे यादि आहे 2023 खे पीपुल्स पार्टी ऐलान कयो हो त 73 जे आइन जे पंहिंजो जेको आहे 50वीं वर्सी जो जो साल जेको आहे असां गोल्डन जुबली जो साल करे मल्हाईंदासीं उहो जॾहिं पीपुल्स पार्टी जो चेयरमैन ऐलान पिए कयो त उन वक़्तु हुन चयो हुयो त असां सभिनी पार्टियुनि सां ॻाल्हाईंदासीं हालांकि उन वक़्तु पी टी आई जे बारे में हर कंहिं जेके आहिनि रिज़र्वेशन्स हुयूं पर अञा 9 मई कोन थियो हुयो पर तंहिं हूंदे बि पी टी आई जेका आहे उहो बिल्कुलु हिकिड़े ॿिए डगर ते बीठल पार्टी हुई पर हुन चयो त न असां ॻाल्हाईंदासीं पोइ छा थियो जो पीपुल्स पार्टी कमेटियूं बि ठाहियूं पर तव्हां ॾिठो त इलेक्शन जे दौरान 9 मई थी चुको त बि इलेक्शन जे दौरान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बार बार हिकिड़ी जेको आहे न हिकिड़ी मफ़ाहमत जी जेका सिग्नल आहे न उहो मुसलसल पी टी आई खे ॾेखारींदा रहिया इलेक्शन जा नतीजा अची विया पोइ बि पीपुल्स पार्टी मफ़ाहमत जो जा सिग्नल ॾिना त पीपुल्स पार्टी यको चयो पए इहो त भई सियासी क़ैदी न हुजनि ऐं असां अचण सां ई पहिरियों कमु इहो कंदासीं त मुल्क में को बि सियासी क़ैदी असां न हूंदो पर उहो ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान जी पंहिंजी हिकिड़ी तबियत आहे हुनजो जो पंहिंजी हिकिड़ी रविश आहे जंहिंजे करे तव्हांखे यादि हूंदो त हिते पाण जेका ट्रांसमिशन आवाज़ टी वी जी हलाईसीं पए त उनमें इहे मैसेजिस बि पाण खे ख़ुदि जेको आहे पी टी आई जी के पी के जी ऐं ॿियनि जी लीडरशिप ॿियनि इलाइक़नि जी लीडरशिप चयो हुयो त हुननि जो व्यू पॉइंट इहो आहे पीपुल्स पार्टी सां गॾु जीअं असां हुकूमत ठाहियूं आहे हुननि इहा तजवीज़ ॾिनी आहे कोर कमेटी खे चेयरमैन सूधो त उन वक़्तु इहे काफ़ी वॾे हल्के में पी टी आई जे हल्के में इहे कंसिडरेशन हुयूं उन जो सबबु इहो जो बिलाल भुटो ज़रदारी साहब मुसलसल इन ॻाल्हि खे परसू कंदो पिया आयो इलेक्शन कैंपेन जे दौरान बि इलेक्शन जे नतीजनि खां पोइ बि हाणे बि जेका हीअ जेका ॻाल्हि पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन कई आहे मुंहिंजे ख़्याल में ही काफ़ी हिन खे अहम ॻाल्हि आहे इन में फैसल इन जे करे बि इन जी अहमियत थिए थी त असीं समूरनि सियासी पार्टियुनि खे मीसा खे मफ़ाहमत त उन जो मतिलबु इहो आहे त जेको हींअर अपोज़िशन जेका मूव करे पई या जंहिंखे पी एन ए 2 जो नालो ॾिनो आहे बिलाल साहब त ही उन जे साम्हूं इहो आहे त भई ही आहे इते जेके आहे सो समूरी पार्टियूं इते अचनि जंहिं ते वेही ॻाल्हाइजे उते जेकॾहिं आहे त उते त को आहे ई कोन ॿी का धुर आहे कोन हिते हिकिड़ो ॿियो बि त फ़र्क़ु अचे जेको ॻाल्हाए त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हीअ उन जेको पॉलिटिकल मूव आहे
उन्हें के काउंटर करण जो ही आए जैसे यो वाकई सद दियन था उन मुखालिफ दुर वारा अचन था तो पो सुठी गाल मुखालिफ दुर भी जका है ना मुखालिफ दुर भी हाने एकड़े जको है ना उनजा वरी मुख्तलिफ फ्लेवर्स है ना मुखालिफ दुर में एकड़ो तो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब मुखालिफ दुर में हां सवेर जी तहां चो तो वो एड़ी किस्म जी पंजो कोन कदो जो पीटीआई सगज जी का एड़ी किस्म जी तहरीक लाए तहां जो तहां के लाइकली लगे तो त सूनर और लेटर ही विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम सिस्टम ओके पार्ट ऑफ द हु जे केन वे अन जे के ठीक हर हाल में सजे सिस्टम के अप्रूव करन चाहे उखेड़न चाहे ठीक है ना सर एकड़ो तो यो होंदो पजो तो अपोजिशन जो एकड़ो यो फ्लेवर आ अपोजिशन जो बेओ फ्लेवर आ मेंगल साहब आ अख्तर जान मेंगल साहब हुनो जो तो उनके समझ में न तो चे तो थे छा पियो मां सच्ची गाल या तो मेंगल साहब जो बारे में डाडो परेशान भी आया ए काफी मुखे वो एक वो पजो एक जो मजरूम लगंदो आ मतलब उनके वाकई ही जका मामला है मन नवाज शरीफ साहब उनकी हुकूमत तोड़ी हुई तक याद आ जैसे आखिरी दफो नवाज शरीफ की हुकूमत हुई नवे के डाके में 97 के इलेक्शन का तो मेंगल साहब वजीर आला थे वो हुकूमत टूटी हुई जैसे बुनियाद पूनम ठो हो पूनम ठहण जो बुनियादी मकसद जो हो नवाज शरीफ जी उन वक्त जो है ए एन पी सांसो मेंगल सांको है कॉम्प्रेस पार्टियों से जैसे करो कॉम्प्रेस इतिहाद जुड़ो है बुनियाद वरी मेंगल साहब जो है अगे भेरे इमरान खान की हुकूमत जो भी हिस्सों थी भाई इमरान खान की हुकूमत जो हिस्सो थे मेंगल साहब गाल समझ में कान आई वरी जैसे पो नो कॉन्फ्रेंस मूव थो तो वरी उन पासे भी बीह रो मतलब एडी फेर घेर अख्तर ताउला खान की सियासत भी असो सामू गुजरी आस बहस शागिर्द उनके भी दिठो ये माना एक सफा एम के वाली सियासत जो है ना मेंगल साहब अख्तर जान कर उन्हीं अचो उनके समझ में न तो अचे या उनको गाल मुख्य सची गाल तो अख्तर मेंगल की सियासत मुख्य समझण का जोर आ बाकी अचकज़ई साहब तो हाँ एक वे धक् में निकतो पार्टी टूटी वही है तुम दिठो तो जो खुशहाल काकड़ साहब जो उस्मान काकड़ साहब पुट वो केतर जगह टफ टाइम दिनों उहा गाल जेका है उहा हुनखे तो पंजे इलाके में रिवाइवल जे लाए उनके खाम खा जलसा करना मुखे याद आ जदे आवामी तरीक टुटी हुई तो पलिए साहब जाम सादिक जे वक्त में लॉन्ग मार्च शुरू करे दो बाबा पार्टी टुटी आ पार्टी कारकुनन में या मायूसी में बचा जे लाए जरूरीत भई ता के एड़ो कारकुन के तो मतलब यो जरूरी आ त कारकुन के उने में रख जे तारुक तारुक में आणो तो जाके वो जो है पंजो हाँ अचक से हिसाब जो मसलो मुख्य इन वक्त जो लाइव वो ना उनके तो पार्टी के उनके वो नुकसान पौतो हाँ। तो खुशहाल काकड़ जो है नौजवान छोकरो पर हाँ जहरा उनकी फॉलोइंग उनके पी जो पोरियो हाँ। बो उन सजे बेल्ट के अंदर काकड़ ट्राइब जो उनकी तमाम वही प्रेजेंस आ वो अगे उनको वो सपोर्टर हों जो उन सपोर्ट बेस अचकजई साहब विजाई है हाँ नतीजे तौर पर अचकजई साहब के बड़ी हाँ डुबकी खपे वजाणी आ उमर अयूब साहब वेठो उत जहाज फ्लेवर पे बुधानवर आने खुद पीटीआई जो हाँ मसल तो खुद पीटीआई के अंदर बुत रधने में रोलो वो एक अना भी वो इशू आ तो इनके जो भी ऑपोजिशन पर एक गाल तैयार न थे जो अडियाला में ऑर्डर निकर अडियाले जो ऑर्डर जो है वो फाइनल आ बाकी रधने में रोलो जो भी हो उन ऑर्डर के जो को भी अना तीन पुठी देने की जरूरत न तो करो यो हिंसर पा चाहूँ था मुझो ख्याल आंदड़ वक्त में अना थोड़ो हालतू फेरों खाइन तो इन में कुछ हेर फेर थी कड़े कॉन्टेक्स में जो वजीर आला है वो उन कॉन्टेक्स में थी सके थी या यो तो ही जैसे पूरी ऑपोजिशन इन में फाइनल राउंड करे वे थी
तो इन जो शन उ चेंज थी इतने सभी से अडियाला जो ऑर्डर न हलो जो पीटीआई के अंदर भी तो मुझी जी अंडरस्टैंडिंग वह है वो डिपेंड तो करे तो ये इन जो भी सामी धुर है जी हिंसर हुकूमती जो सेटअप उनकी जरूरत केतरी थी पे बो यो तो उन्होंने कढ़ण से अगलन के नुकसान केतरो तो पोचे तो यो ढो इम्पॉर्टेंट चलो सही ही तो गड़ी खुदा बख्श जलसो पान गुफ्तु कईसूँ पर हाँ बो जो मसलो है वो पैंजो ईरान हाँ पेरों दफो इसराइल के मथा सीधो हमलो किया उनको सबब यो पेरी अप्रैल से ईरान की जो एम्बेसी दमश्क में है शाम में उते ईरान जा अहम जो अगवान उत मौजूद हुआ वो अल कुदस जो उनकी ब्रिगेड है उनके कमांडर उत मौजूद हुआ उते जो इसराइल सीधो हमलो किया उनमें बारह जणा जो मार उनमें अल कुदस जो अहम जो कमांडर उ मार ईरान जो है उनते हो रद्दमल दींदे बड़ी पे बाइडन साहब जो है वाइट हाउस में गुफ्तु कदे तो भाई इन गाल जा इम्कान हैं तो ईरान सीधो हमलो इसराइल पे उन खदशो जाहिर बड़ी पे नेट रात वो थी गुजरियो पर उनका जो काफ़ी गाल जो एनलाइज कर जड़ो तो हमास इसराइल जो कन्फ्लिक्ट हले तो पो गज़ा में उत्ते जो है चौटी पंजटी हजार जो वह शहरी शहीद थी चुका ठीक है टे महीना उनका पे है हमास जो 1100 उन मारा उ भी इन वे मासूम शहरी ही हुआ वो को उन फौजी इंस्टॉलेशन से या को मिल्ट्री टू मिल्ट्री जड़ो न हो जंग भी उनमें भी शहरी जो उन्हें अजल जो शिकार था हुआ पर वो मामलो अजा उत रिजॉल्व न थो तो ही नओ मामलो जो मिडल ईस्ट के अंदर अची वो तो इसराइल जो उतने जो रद्दमल दिनो हो हमास के उनते इसराइल हाँ भी चे तो अस रद्दमल दींदे हालांकि कल का वी हमले का तमाम घनी जो अमेरिका हो बरतानिया हो चीन रूस हुजन जर्मनी हो इसराइल हमलो करे बो अमेरिका यो अस उन हमले जो हिस्सो नींदे अमेरिका प्रोटेक्ट कदे इसराइल के पर अफेंस जो हिस्सो अस नींदे अमेरिका बिल्कुल वाजह पैंकी पोजिशन बुधाई है तो अस कें भी तरह से इसराइल हमलो दुखी सिचुएशन छो तो यो जो कन्फ्लिक्ट है इन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स उन्हें अफेक्ट कह सही वो तो याद है ना इन वक्त जो है पाकिस्तानी जो शहरी है अदील मंगी जैके बाइडन जो है नॉमिनेट किया सर्किट कोर्ट के जजशिप लाइ उन नॉमिनेशन जो है वह कांग्रेस सेनेट में रुकी पी है अच्छा उनको सबब यो जो यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड जो मेंबर हो उन यूनिवर्सिटी जहाँ ये हमास इसराइल कन्फ्लिक्ट थो उनमें जो है उत डीन जो है उन स्टेटमेंट डी प्रोग्राम रखें जो प्रो पैलेस्टाइन हो अच्छा। उनते जो है इसराइल के इन तरह के कारनामन की निंदा कई वही हुई अच्छा, करे उनके रोके छो उनते सेनेट के अंदर जुडिशरी कमेटी में हियरिंग थी उनकी उत्ते अमेरिकन सेनेटर्स हुआ उन जरा कई है ना वहाँ तो ऐसा वट है ना जड़े अंदाज में उनके अंदर जो गुस्सो आने बॉडी लैंग्वेज है ना वह मतलब अमेरिकन इलेक्शन के लिए तक चो ना तो ये फलस्ती इसराइल वो मामलो तो अमेरिकन इलेक्शन में अगुवाट ही वो हिस्सों थी चुको बुधा तो इन हमास इसराइल जड़े जो यो थो इन नॉमिनेशन्स के अना लगो पे खुद बाइडन की पार्टी जहाँ टे सेनेटर जो उन्होंने असा वोट न ींदे बाइडन की नॉमिनी के वोट न ींदे हालांकि सेनेट में 51 सेनेटर 100 मुश्त मुश्तमिल सेनेट 51 डेमोक्रेट्स 49 जो रिपब्लिकन जेनेट डेमोक्रेट सेनेटर चाहन तो वह नॉमिनेशन एक डी में अप्रूव थी सके थी पर टे जणा फ्री वह नेवाड़ा जो खवातीन
हिकड़ो नॉर्थ पंहिंजो वेस्ट वर्जीनिया जो हिकड़ो सेनेटर आहे, टे डेमोक्रेट्स जेके आहिनि उहे फ्री वारा चवंदा त असां न ॾींदासीं। एतिरी जेका आहे इसराइल जी जेका आहे अमेरिकन पॉलिटिक्स जे अंदरि एतिरी वॾी इंपॉर्टेंस आहे। हाणे जॾहिं बाइडन इहो वाज़े लफ़्ज़नि में चयो आहे त असां अफेयर्स जो हिसो न थींदासीं, तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त इन जा कॉन्सिक्वेंसिस बाइडन खे भोगणा पवंदा। बिल्कुलु भोगणा पवंदा। इन में ॾिसो न फयाज़ साहब, ॿ टे शयूं ॾाढियूं अहम आहिनि। हिकिड़ी शइ आहे त इसराइल त शुरू ॾींहं खां इहो रड़ियूं कंदो अचे त बसि इहो ईरान वारा कंहिं बि ॾींहं ते असां हमिलो कंदा, जेको पब्लिकली सभिनी खे ई ॿुधाईंदा रहिया, चवंदा रहिया, हिननि खे सॼो पंहिंजे पाण ते डपतारी कंदा रहिया या माण्हुनि में इहा ॻाल्हि फैलाईंदा रहिया। त उहो हिकिड़ो मुसलसल हुयो ऐं इहो नेठि पोइ इहो थियो। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। हा, छाकाणि ॾिसो न, सिर्फ़ु ईरान न पियो चयो, तव्हांखे यादि आहे हूसीज़ जो बहानो करे हिननि जेको आहे अॻुवाट जेको इहा जेका असांजी स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ जेका आहे उनमें चयो त असांजे जहाज़नि जे मथां हमला थिया आहिनि, हे थिया आहिनि अमरीका ऐं पंहिंजो हिननि, उहो हिकिड़ो मतिलबु आहे त हिन सॼे ख़िते जे अंदरि अमेरिका जी जेका या वेस्टर्न पावर्स जी जेका डॉमिनंस आहे उन खे चैलेंज आहे ईरान जे पारां। हा, मां उहो ई ॻाल्हि पियो चवणु चाहियां त हीउ जेको हिननि कयो आहे इहो ॾाढो इन लाइ कयो आहे त भई हिन सॼे मिडल ईस्ट वारे ख़िते में, इन सॼे इलाइक़े में जंग वारी सूरत हाल बरक़रार रहे, गज़ा वारी जेका सिचुएशन उन ते एॾी आलमी सतह ते कंडेमनेशन थी, उहा अञा ताईं उहा बाहि अञा भरे पई, उहो पंहिंजी जाइ ते हुई। इसराइल जी कंडेमनेशन पए थी न, हाणे इसराइल जी कंडेमनेशन वारो मामिलो ई न, इसराइल खे हाणे लिवरेज मिली वियो। लिवरेज मिली वियो, एग्ज़ेक्टली। पर लिवरेज बि मिलियो, उन सां गॾो गॾु इहो बि थियो त भई हीअ बाहि भरंदी रहे ऐं इन जेको थोरो अञा एक्सपांड थी वञे, वधी वञे, ऐं इन में इसराइल जा जेके वधीक कुझु हामी कंहिं तरीक़े सां निकिरी अचनि वन वे आर द अदर वे, ऐं हिन सॼे मामले खे पैलेस्टीन वारो जेको मामिलो आहे उन जी रुगो इन बुनियाद ते थोरो माण्हू पासीरा थियनि। इहो वॾो इशू आहे जंहिंमें अच्छा जंग जेतिरी रहे थी, जेतिरो डिगोर्सो थिए थी, उहो त बेसिकली जेके वॾियूं ताक़तूं हूंदियूं आहिनि ऐं हिन केस में त अमरीका आहे, अमरीका खे फ़ाइदो थींदो आहे उन में। ठीकु आहे, पॉलिटिकली से के या जंग में बि बाइडन खे नुक़सान ॾिए ऐं ट्रंप खे फ़ाइदो ॾिए या वाइस वर्सा, आहे त अमरीका एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हू त मुख़्तलिफ़ हुते जेके अमरीका जूं जेके वॾियूं कॉर्पोरेशन्स आहिनि जेके उन्हनि जा हिकिड़ा पंहिंजा इकनॉमिक इंट्रेस्ट आहिनि ऐं उन जेके गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। मिडल ईस्ट जे अंदरि जेका हमास ऐं इसराइल जो जेको झगड़ो हुयो उनमें हाणे हिकु नओं इज़ाफ़ो जेको थियो आहे उहो थियो आहे ईरान इसराइल जो हमिलो। उमेदु कजे थी त इहो जेका आलमी जेके मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे तरफ़ां दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ख़ासि तरह रूस, चीन, फ्रांस ऐं जर्मनी जे पारां इहा कोशिशि आहे त इहो मामिलो जेको अॻिते न वधे। उमेदु कजे थी त मामिलो रिज़ॉल्व तरफ़ ईंदो ऐं यू एन यानी अक़वाम मुत्तहिद जे सिक्योरिटी काउंसिल जो इजलास बि हंगामी बुनियाद ते घुरायो वियो आहे, थोरे जो उन जी दरख़्वास्त जेका आहे उहा इसराइल ॾिनी आहे। पर उमेदु कजे थी त को रिज़ॉल्व निकिरंदो ऐं मामिलो अॻिते न वधंदो, छाकाणि त हीउ मामिलो जेकॾहिं वधे थो त पोइ इहो काफ़ी ख़ौफ़नाक थींदो। पोइ इहा ॻाल्हि सिर्फ़ु मिडल ईस्ट ते ई न रहंदी पर इहा ॻाल्हि किथे किथे पहुचंदी, उनजो काथो लॻाइणु जेको आहे फ़िलहालु शायदि टू अर्ली थी वेंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइक असांजे पोलिटिकल एनालिस्ट साईं सोहेल साईं खे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु।